कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land, और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। ईस्टर आता है गुड फ्राइडे के बाद। गुड फ्राइडे मतलब क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का दिन, और उसके बाद ईस्टर संडे, जो कि माना जाता है कि क्राइस्ट का रेजरेक्शन डे होता है, उनके फिर से जीवित होने का दिन। और ये दिन क्रिश्चियंस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इस दिन ना एक खास तरह का केक बनता है, सिमनल केक। आज मैं वही बनाने वाली हूँ। सो बेसिकली सिमनल केक जो है ना, वो एक तरह का मैदे का फ्रूट केक है, और आज मैं वही बनाने वाली हूँ। 175 ग्राम्स ऑफ बटर, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसका टेक्सचर काफी बदल गया है। इसमें अब बाकी की चीजें मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क 50 ग्राम्स, रेजिन्स, ब्लैक करंट एंड एप्रिकॉट। सब मिक्स करके कट एंड फोल्ड। अब इसको सेट करने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ, और मैं अपना टिन तैयार कर लेती हूँ। और ये अवन भी मैं सेट कर देती हूँ जरा 160 पे। इस पे मैंने ये बटर पेपर लगाया है, पहले थोड़ा सा बटर लगा के, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। मार्जिपन बेसिकली ये होता है बादाम के पेस्ट का आटा, तो इसकी एक लेयर ना केक के बीच में जाएगी। मैं इसे बेल लेती हूँ आइसिंग शुगर थोड़ा सा लेके ना, ताकि ये चिपके ना। अब मैं ये इसमें अच्छे से, ये माजे पाना मैं अलग अलग कलर्स के भी लेकर आई हूँ, बच्चों के साथ मिलके बाद में केक को डेकोरेट करूँगी, बड़ा मज़ा आएगा, और ऊपर से भी अच्छे से डेकोरेट करूँगी। अभी मैं इसको अवन में रख देती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ये, वाह। अब मैं ना इसको ऊपर से हल्का हल्का सा काट लेती हूँ, ताकि एकदम इवन सरफेस हो जाए। अब इसको मैं इस प्लेट में पलट लेती हूँ। अब मुझे इस पे ना एक और रोटी जैसी बनानी है मार्जिपान की। ओके, ये हो गया अच्छे से। अब मैं एक सुंदर सा डिजाइन बना लेती हूँ। दिस इज डन। अभी इस पे मैं थोड़ा सा जैम लगा देती हूँ। दिस विल गो ऑन टॉप ऑफ द केक। हम लोग ना मिल के मनाते हैं ईस्टर, ओके? ये तुम लोगों के आने से पहले मैंने यहाँ पे बेक किया है अभी।
ये वाले ये अच्छे से यहाँ रख दें इसके ऊपर. Let's make some flowers. Now इसको ऐसे प्रेस करेंगे, लिफ्ट करेंगे और सुमेर इसको ऐसे पुश कर. वो फ्लावर्स हो गए तुम लोगों के. हाँ. यहाँ पे हम ये इसका क्या है? ये हम कुछ बनाते हैं ना उन फ्लावर्स को लगाने के लिए, एक स्टेम वाइन जैसे. नाइस इट लुक्स. या ओके वाओ. रोज बनाया था इसको, हम केक पे रख देते हैं. ठीक है, वी शैल प्लेस इट हियर. नाइस. या कायरा. हाँ. विल यू हेल्प मी, ये भी ले जाओ टेबल पे प्लीज. ओके. आदित्य आप ये लेके चलोगे? थैंक यू. ओके. अरे माँ के लिए फोटो लेनी थी. ओहो केक की तो यहीं पे ले लेती हूँ. और हैसलबैक पोटैटोस की वहां पे लूंगी. अच्छा वेरी नाइस. मैं कहाँ बैठूंगी अब? आपका घर है, जहाँ बैठना है बैठ जाओ. अच्छा अच्छा वेरी स्मार्ट. हाँ तो सुमेर, कायरा, आदित्य एंड आर्यन, आज की ईस्टर पार्टी आप चारों के नाम. कट करें केक. ठीक है. माँ के लिए फोटो लेना, एक मिनट. क्योंकि मैं भूल गई, मैंने इसका तो फोटो लिया ही नहीं ना. एक फटाफट इसका फोटो भी लेते हैं. एक्चुअली एक तुम चारों का फोटो भी लेना चाहिए. लुक हियर. यस. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.